पूरा बताइए, कब फ़ोन आया था आपको? सुबह जब हम अपने घर से अपने जहाँ पर मेरा गाड़ी लगी हुई थी सुबह की, वहाँ पर टहलते हुए जब गए तो अचानक 11 बजे रहा था लमसम, फ़ोन आया मेरे ऊपर कि चौबे बोल रहा है। बोले कि आप कौन? तो तू सला मैंने पूरा अभद्र अभद्र गाली दिया गया मुझको, मुझे और मेरी माँ को, और साथ में बोला गया तुम बोलता है कि तुमको जान का खतरा है, तुम निकल साला तुमको गोली मार देंगे। हम बार बार पूछते रह गए कि आखिर आप कौन बोल रहे हैं। तो उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लास्ट में उन्होंने यही बोला कि हम सहार थाना से के अंतर्गत जो है मुखिया हैं, उनके हम बॉडीगार्ड बोल रहे हैं, लेकिन स्पष्ट नाम नहीं बताया गया, मुखिया के बॉडीगार्ड सहार थाना बताया गया। इतना पहले भी इस तरह का कॉल आया था या फिर कोई दुश्मनी? नहीं, कॉल तो नहीं आया था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कई बार मुझे धमकी प्राप्त हुई है, जिसकी सूचना मैंने संबंधित पदाधिकारी को दिया है, और जांच रिपोर्ट में पूर्व के पुलिस अधीक्षक ने उसकी पुष्टि भी की थी, ठीक ना। लेकिन ये जो अभी आज का जो सुबह का जो घटना है, हमारे परिवार इससे काफ़ी आहत महसूस कर रहे हैं, हम काफ़ी आहत महसूस कर रहे हैं। किसी भी अधिकारी को सूचित किया या? हाँ, हमने एसपी साहब को मैसेज किया था, थाना अध्यक्ष सर नवादा थाना को किया था, उन्होंने बोला था आप थाना से मिलिए, वहाँ आवेदन दीजिए। मैं अभी वर्तमान थाना में ही आया हूँ, मैं अपना आवेदन समर्पित किया हूँ, और देखिए आगे उस कॉल नंबर से किसका किसका क्या संदर्भ है, उस मोबाइल नंबर किसका है, उससे जो जो व्यक्ति उसके साथ में संलिप्त है सभी पर कार्रवाई की हमने मांग किया है। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार हुआ, मैं कृणा भारती के भोजपुर जिला अध्यक्ष हूँ, और वर्तमान में कार्य समिति सदस्य भी हूँ भाजपा का, और पूर्व पार्षद भी हूँ।